घर से कैसा सहयोग मिल पा रहा था? सर घर से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा था, सब सहयोग कर रहे थे और फिर पढ़ने में सब सहयोग कर रहे थे, कुछ भी काम नहीं करने देते थे और बोलते थे कि हाँ पढ़ो। नमस्कार, मंदीप नाम मेहरा और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार। आज बिहार बोर्ड की जो है इंटर की वार्षिक परीक्षा का परीक्षा फल जो है वो घोषित कर दिया गया है और मधेपुरा की बेटी रीतिका रत्न ने टॉप 3 में पूरे बिहार में अपना स्थान प्राप्त की है, जिसको लेकर जो है आज हम उनके घर पे पहुँचे हुए हैं और इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा जो है एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की जा रही है और बधाइयां दी जा रही है। अभी हमारे साथ रीतिका रत्न खुद मौजूद हैं। क्या पढ़ाई का सिलसिला जब शुरू हुआ और घर से सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि घर से कैसा सहयोग मिल पा रहा था? सर घर से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा था, सब सहयोग कर रहे थे और फिर पढ़ने में सब सहयोग कर रहे थे, कुछ भी काम नहीं करने देते थे और बोलते थे कि हाँ पढ़ो। आम तौर पर जो है बच्ची जो लड़की होती है उसको पढ़ने के लिए बिहार में खास तौर पर अभी भी ये समस्याएं हैं कि बच्ची को लड़की को जो है पढ़ाई के लिए ज़्यादा आगे नहीं भेजते हैं, आपके माता पिता कितना सहयोग इसमें किए हैं? सर मेरे माता पिता बचपन से ही कोई भी बेटे या बेटियां में भेदभाव नहीं करते थे और हमेशा से हमें भी शिक्षा प्रदान किए हैं। जी, इनकी माँ इनके शिक्षक और वार्ड 2 के वार्ड पार्षद विनीता भारती जी भी मौजूद हैं। आपके वार्ड की बेटी आज पूरे बिहार में टॉप की है, क्या कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मेरे लिए गर्व की बात है कि वार्ड 2 के साथ साथ मधेपुरा और बिहार के लिए कम से कम यही हम लोग को लिए जो गौरवान्वित की है, हम लोग इसके धन्यवाद के पात्र इनको देते हैं कि इन्होंने अपनी कड़ी लगन मेहनत से आज सबों का नाम रोशन की। इनकी माँ से भी हम बातचीत करते हैं और ख़ास तौर पर बच्ची को घर में जो है लड़की को घर का काम भी करने को मिलता है, काम भी करने को कहा जाता है, तो क्या रीतिका बचपन से किस स्वभाव की थी, नटखट थी या फिर पढ़ाई वगैरह हमेशा से करती आई है मेहनत से? हमेशा करती थी, शांत स्वभाव की थी। अच्छा, नटखटपना नहीं करती थी? नहीं। तो ये कितने घंटे लगभग पढ़ाई कर लेती थी? 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। तो क्या बेटी UPSC में जाना चाहती है, IAS बनना चाहती है, उसको आगे सहयोग करेंगे? जी करेंगे। इनके पिता शिक्षक हैं और शिक्षक की भूमिका जो बच्चों के लिए होती है, हमेशा कुछ हर शिक्षक चाहता है कि अपने बच्चों को आगे भेजे, हमारे साथ साथ अपने पूरे बिहार सहित देश का नाम रोशन करे। कैसा रीतिका का स्वभाव और बचपन से पढ़ाई में इनकी माँ बता रही है कि शांत स्वभाव की थी, कैसे इसको जो है आगे बढ़ाएंगे और आगे UPSC के लिए? बिल्कुल ही इसको आगे बढ़ाने में जितना सहयोग होना चाहिए बचपन से इनको सहयोग देते आ रहे हैं। मेरे 2 बच्ची और 1 लड़का है, हमने आज तक नहीं माना है कि हमें 2 बेटी और 1 बेटा है, तीनों मेरे बेटे के समान है, तीनों को समान शिक्षा, समान एजुकेशन, कहीं कुछ नहीं, प्रोत्साहन जितना पढ़ सके, जहां तक जा सके, जो सहयोग होती है वह सहयोग देते हैं कि एक न एक दिन कम से कम वह बिहार की नाम रोशन कर सके और UPSC किसी तरह से कम्पीट कर सके। आज भी आपकी बेटी जो है बिहार में पूरे टॉप 3 में आई है इंटर में, तो ये भी आज भी नाम इन्होंने रोशन किया है, कैसा महसूस हो रहा है पूरे बिहार में आज आपकी बेटी का चर्चा हो रहा है? बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है, यदि मनुष्य अपना ईमानदारी से कोई भी काम करे तो सफलता उसे मिलती है और हम भी शिक्षक और ईमानदारी से अपने विद्यालय में भी कार्य करते हैं, हमारी बेटी ये नहीं अपने विद्यालय में मानते हैं, जितने भी बच्चे हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, मैंने उसे किसी बच्चे को आज तक पराया नहीं माना है और वही ईश्वर उन्हीं का फल हमें दिया है, हमारी बेटी इतनी बड़ी मुकाम पर पहुंची है। इसीलिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकगण को भी कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से अपने विद्यालय में कार्य करें, सफलता एक न एक दिन मिलेगी। स्कूल के सारे बच्चे ये हम न मान के चलें कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो पराए के बच्चे हैं, वो भी मेरे अपने बच्चे और वो शिक्षक के ही बच्चे होते हैं, उसी का परिणाम प्रभु ने हमें दिया है कि हमारी बच्ची आज बिहार में टॉप की है। जी, इनके रीतिका के जो हैं शिक्षक भी हैं, इनसे भी आखिरी बार हम जानना चाहेंगे कि सर रीतिका अक्सर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको टास्क दिया जाता है घर से होमवर्क के लिए, तो बहुत सारे बच्चे कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, इनके तरफ से क्या कुछ बहाना होता था या फिर ये हमेशा टास्क बना कर आया करती थी? मैं क्लास 4 से इसे पढ़ाते आ रहा हूँ, क्लास 4 से 12 तक मैं पढ़ाया हूँ इसको, आज तक कभी भी एक ऐसा दिन नहीं मिला कि इन्होंने अपना गृह कार्य पूरा ना किया हो, जितना कहा जाता था उससे ज़्यादा करके रखती थी। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह स्वाध्याय बहुत ज़्यादा करती है, सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बैठती है तो बैठ के पढ़ते रहती है,
और बिल्कुल शांत स्वभाव की है, कोई नटखट नहीं, कुछ नहीं जी। इस वक्त हम बिहार के टॉप थ्री में इंटर से जो है आठ संख्या की छात्रा रितिका के पास पहुंचे हुए थे और इन्होंने बताया कि ये पूरा क्रेडिट जो है हम अपने परिवार सहित अपने शिक्षक को देना चाहेंगे क्योंकि उनके बदौलत ही आज हम बिहार में टॉप थ्री में अपना जगह बना है। इस वक्त के लिए इतना ही, देखते रहिए मधेपुरा संचार.com।